ఆల్ ఇండియా ఫిషర్మెన్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు వ్యతిరేకంగా తెచ్చిన బిల్లులకు నిరసనగా జంతర్ మంతర్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ధర్నాలో ముఖ్య అతిథిగా హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు। गरीब लोग है, नंबर तो हमारे मेजर की है, 10 लोग फायदा उठा रहे, बड़े बड़े सरमायेदार पूंजीपति लोगों का फायदा हो रहा, किसका फायदा हो रहा, हमारे नाम को वोट के औकात हमारे पास आते, आप बीसीए वोट डालो, एससी डालो, एसटी डालो, ये बोलते हैं, फिशरमैन डालो बोलते, उसके बाद पूछने वाला ही नहीं है, वोट हमारा राज उनका चल रहा। और राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है, वो भी इसी बिल पार्लियामेंट में लगाएंगे तो पूरी मदद मिलना चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन आईआईटी आईआईएम में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर में क्या बोले, ये रिजर्वेशन नहीं है बोले, सब नौजवान बच्चे गए, खवातीन गए, कोर्ट में दिए तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी आईआईटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर। कोई अदर जगह नहीं था, जो उस वक्त अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे, मैं और सोनिया गांधी कहने गए अर्जुन सिंह, मैम टैलेंट इज नॉट एनी बडीज प्रॉपर्टी, टैलेंट इज अबाउट एवरीबडी, वी कम टू दी विलेज। कोई मलयालम में बात करता, कोई तमिल में बात करता, कोई तेलुगु में बात करता, कोई उड़ीसा में बात करता, सभी लोग इंग्लिश में, मगर टैलेंट है हमारे को मौका देना। तो फिर मैं बोला मैडम वाई डोंट यू पुट ए वर्ड, बिकॉज पुटे सुप्रीम कोर्ट तो डिले कर दिया, आल्टरनेट है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बिल लगाओ बोला, तो सोनिया गांधी बोली मनमोहन सिंह को बोल के बिल लगाए तो लल्लू प्रसाद यादव से लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी वाला मदद करने से आज आईआईटी आईआईएम में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर्स बन रहे। टैलेंट किसी का बाप का नहीं है, अल्लाह भगवान देता हरेक को देता, तो हमारे भी देना चाहिए, आज रिजर्वेशन देना जरूरी है, 10 लोग फायदा उठा रहे। आप ईबीसी के नाम पे 10% 50% सीलिंग भी निकाल दिए, वैसे मैं राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है 9th शेड्यूल से निकाल के 50% सीलिंग भी निकालना, ये भी अपना फायदा होता है। और ये फिशरमैनों का तो जिंदगी मुझे मालूम है, गाला डाल के बैठता कब पिछ पकड़ता सही मालूम, जब आप समुद्र में जाते कहा मिच्छी मिलता चले जाते रहते, एक एक बढ़ता 3 दिन 4 दिन से घर को नहीं आता, इधर बीवी बच्चे परेशान रहते, इनके वास्ते बराबर वो तो सरकार उनके फैमिली के वास्ते अगर उन्हें मर गए तो क्या देना चाहिए, उनके फैमिली को कैसा देना, और जो भी मकाना बनाते समुन्दर के बाजू बनाते, वो समुन्दर के बाजू जब भी आता थूकान आता ये मकाना भी चले जाते, इसके ऊपर सरकार सोचना चाहिए। बराबर हम आपके साथ है, मैं वो भी सीएमपी कन्वीनियर के साथ है, जब कभी आप लोगों का मुश्किल है बराबर आपके साथ आऊंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा, आपके आने वाले दिनों में अपने वास्ते आपके बीवी बच्चे अच्छे रहे, आपके नौजवान बच्चे भी खाली फिशर में नहीं काम नहीं है, और बच्चे बोल रहे हम भी आईएएस पढ़ना चाहते, आईपीएस पढ़ना चाह रहे, डॉक्टर बनना चाह रहे, तो आगे 10 दिनों में आपका फायदा के वास्ते राहुल गांधी से बात करूंगा, सोनिया गांधी से बात करूंगा, आपका क्या बोले थे नरेंद्र मोदी अपने आप को वो भी इसी बोलता, अब तक किसी को एक काम नहीं करा, एक का काम नहीं करा, अपने आप को ओबीसी बोलता, 10 साल में कुछ नहीं करा, वही यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी करी, तो इस वजह से राहुल गांधी भी बिल लाएंगे पार्लियामेंट में, पूरे पॉलिटिकल पार्टी मदद करेंगे, तो आने वाले दिनों में ओबीसी एससी एसटी का राज आएगा, उसी के वास्ते में सोच रहा हूँ, और आने वाले दिनों में न्याय के वास्ते लड़ने वाला राहुल गांधी के साथ आप जुड़े रहो, वो न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच।